सोनभद्र में मंगलवार को नागपंचमी के अवसर पर डाला नवनिर्माण सेना के तत्वाधान में स्थानीय सेक्टर सी हनुमान मंदिर अखाड़े का भव्य दंगल का आयोजन कराया गया। नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अंशु पटेल ने बताया कि इस अवसर पर कुल 20 कुश्तियां हुई, जिसमें डाला, बारी, पटवद, सलखन, विजयगढ़, ओबरा आदि जगहों से आए पहलवानों ने उस्ताद मेवालाल के नेतृत्व में खेल में हिस्सा लिया। डाला नवनिर्माण सेना के संरक्षक व छात्र संघ के पूर्व महामंत्री अनिकेत श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 2 वर्षों से संगठन द्वारा पवित्र सावन माह में नागपंचमी के शुभ अवसर पर भव्य दंगल का आयोजन कराया जाता है और यथासंभव डाला की ये परंपरा को आगे भी जारी रखा जाएगा। इस दौरान सैकड़ों की भीड़ में दर्शक मौजूद रहे। आयोजन के दौरान निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष रोहित बिंदु, रामू गौड़, गुलाम मुस्तफा, बबुंदर पाठक, प्रशांत पाल, विकास चैन, अवनीश पांडे, राकेश जसवाल, गोविंद भारद्वाज, सुधीर पाठक आदि मौजूद रहे। विराट 24 न्यूज के लिए सोनभद्र से अनिल कुमार अग्रहर की रिपोर्ट। निर्णायक महोदय का निर्णय सर्वमान्य होगा, उनकी बात को मानना होगा। मेरे बात चला के अध्यक्ष द्वारा गर्जन शुरू कर दिया। हम सभी लोग ऐसे ही बने रहे, नगर में माहौल बना रहे और आप सभी लोगों को सूचना ये भी देना चाहेंगे कि अंतिम सोमवार दिनांक 8 तारीख को डाला से 5600 जी के तत्सम स्वागत के डाला शीर्षन महादेव मंदिर पर जल का समर्थन होना है। ₹500 समय 3 मिनट कुश्ती शुरू की जाए।